इस वीडियो में हम चैप्टर 4 फ्रैक्शंस के आपके जो वर्ड प्रॉब्लम थे क्वेश्चन नंबर 18 के डी ई एफ जी एच आई तो ये करने वाले हैं। ठीक है, तो सी तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया, अब डी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी पर ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या बोला हुआ है। रिहाना एट 2/3 ऑफ अ केक वेइंग 360 ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ केक डिड रिहाना ईट। तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम डी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है कि जो केक है, केक का जो वेट कितने, वेट ऑफ अ केक, या हम लिख देते हैं, चलिए वेट ऑफ अ केक ये दिया हुआ है 360 ग्राम। रिहाना ने जो केक 360 ग्राम का है उसमें से 2/3 जो है वो ऐड कर लिया यानी खा लिया। रिहाना एट ऑफ अ केक इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, कितना, 2/3 लिया उन्होंने, 2/3 ऑफ अ केक। अब केक जो था उसका वेट कितना था, 360 ग्राम, तो हम निकालेंगे एक्चुअल में कितना खाया, तो 2/3 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, और केक का वेट कितना था, 360 ग्राम, तो ये 360 ग्राम मल्टीप्लाई में किया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, मींस 1 किया। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 360, नीचे आपका 3 × 1। अब हम कैंसिलेशन करेंगे तो कैंसिलेशन हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 0। ठीक है, तो अब आपका कितना हो गया सॉल्व करने पर, डिनोमिनेटर में वन वन बचा, न्यूमिनेटर में आपका 2 × 120 से, तो ये आपका आ जाएगा 240 ग्राम। ये हो गया आपका डी का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। ये कैसे करना है इसको देख लीजिएगा, या आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई देखिए, क्वेश्चन नंबर ई में हमको बोला हुआ है, राशिस मदर गेव हिम हाफ ऑफ एन एप्पल, सी एट 3/4 पार्ट ऑफ इट, हाउ मच पार्ट ऑफ द होल एप्पल डिड राशि ईट। तो इसका ई वाला करते हैं सॉल्यूशन ई। राशि की मदर ने राशि को एक एप्पल दिया, कितना, हाफ दिया, हम लिख देते हैं राशिस मदर गेव, हर आएगा, ठीक है, गेव, ये गलती से हिम लिख गया बुक में, गेव हर कितना एप्पल दिया, हाफ ऑफ एन एप्पल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एन एप्पल, यानी एक एप्पल में से उसका हाफ पोर्शन दिया। सी एट 3/4 पार्ट ऑफ इट, हाउ मच पार्ट ऑफ द होल एप्पल डिड राशि ईट, और उसने कितना ईट किया, सी एट 3/4 पार्ट ऑफ इट, यानी कि एप्पल, तो उसने देखिए 3/4 पार्ट ऑफ यानी मल्टीप्लाई, एप्पल कितना था, कितना दिया था उसकी मदर ने, 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कहीं कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो उसको कैंसिलेशन कर देंगे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में, अब यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे तो देखिए कहीं पर कैंसिलेशन नहीं हो रहा, ये हो गया 3/8, यानी राशि ने कितना एप्पल ईट किया, 3/8 पार्ट, ये हो गया इसका आंसर यहाँ तक। ठीक है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, ये वाला, इसमें बोला हुआ, हाफ के जी ऑफ अ फ्लोर एंड 2/3 के जी ऑफ शुगर आर नीडेड टू मेक अ केक, यानी फ्लोर प्लस शुगर की हेल्प से क्या बना रहे हैं, वो केक बना रहा है। तो फर्स्ट केस में दिया है कि हाफ के जी फ्लोर ले रहे हैं और 2/3 के जी शुगर ले रहे हैं, उससे एक केक बना रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं हाउ मच फ्लोर एंड शुगर आर नीडेड टू मेक 4 dozen ऑफ सच केक्स। तो यदि हमको उसी प्रकार का केक बनाना है लेकिन 4 dozen बनाने, तो क्या, कितना यूज़ करेंगे, कितना फ्लोर और शुगर लगेगा, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर अ केक ये दिया हुआ है, फ्लोर इक्वल्स टू हाफ के जी, शुगर इक्वल्स टू 2/3 के जी। अब हमको क्या पूछा हुआ है,
हाउ मच फ्लोर एंड शुगर आर नीडेड टू मेक 4 dozen ऑफ सच केक्स. तो 4 dozen केक बनाने के लिए कितना हमको रिक्वायरमेंट होगा. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा निकाल लेते हैं, फॉर मेकिंग 4 dozen ऑफ सच केक्स. ठीक है, तो फ्लोर कितना यूज होगा, यानी आटा कितना लगेगा हमको. तो देखिएगा, फ्लोर इज इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और फ्लोर कितना ले रहे थे, हाफ के जी. तो ये हमने हाफ के जी का मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 के नीचे कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1, और ये 1/2. फिर आप जानते हैं न्यूमरेटर को हम साथ में लिख देते हैं, 4 × 1, और डिनोमिनेटर को साथ में 1 × 2. यूनिट याद रखिएगा, यहाँ पर के जी चल रही थी यूनिट, ये के जी. अब कैंसिलेशन कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 = 2. तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 2 kg. ठीक है, ये फ्लोर. इसी तरीके से हमको शुगर का पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, शुगर इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना शुगर ले रहे थे, 2/3 kg. तो 2/3 kg का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 kg. ठीक है, अब इसको भी ऐसे डिस करेंगे, 4/1 × 2/3 kg. अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में आपका 4 × 2, और डिनोमिनेटर में 1 × 3, और ये आपका यूनिट kg. सॉल्व किया तो देखिए कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा है, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 2 = 8, और ये नीचे आया 3, ये कीजिए, ये आंसर हो गया आपका 8/3 kg का रिक्वायरमेंट है. अब देखिए, सिंस जो हमारा न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप रफ में डिवाइड करेंगे 8 को 3 से, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, रिमाइंडर आया 2. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2/3. तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2/3 kg. ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिख दिया हमने. ठीक है, अदरवाइज यदि आप 8/3 kg लिखते हैं तो भी आंसर करेक्ट ही है. तो ये एक बार आप पॉज करके लिख लीजिएगा, हम एक बार स्टार्टिंग से दिखा देते हैं. ये रहा एफ का पार्ट, ठीक है, ये इतना गिवन पार्ट हो गया. फिर यहाँ से फॉर मेकिंग 4 dozen ऑफ सच केक्स करना हमको. यहाँ आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फ्लोर का आ गया 4 dozen केक्स बनाने के लिए, और शुगर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये हो गया आपका ऐप का पार्ट. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर जी पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर जी ये रहा, क्वेश्चन नंबर जी में बोला हुआ है, सिर्फ जी को देखिएगा. द कॉस्ट ऑफ 5 1/4 liters ऑफ अ पेट्रोल इज ₹315, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 liter ऑफ पेट्रोल. तो ये कुछ इस तरीके से पहले समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम आपसे बोलें कि 10 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो रुपीस हम मान लेते हैं 1000, या फिर चलो हम ले लेते हैं कितना, 500 rupees. तो आपसे पूछें 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, रुपीस 500 को इस 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ये 50. तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि 10 लीटर में 500 है, तो 1 लीटर में क्या होगा, डिवाइड कर देंगे. यानी हम ज़्यादा से कम की ओर जाएंगे तो डिवाइड करते हैं, और कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए यहाँ 10 लीटर था, 10 लीटर से कम आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटी यहाँ दी हुई थी इसको डिवाइड में कर देते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम इसको करेंगे. फिर से आपको एक बार लिख कर बताते हैं कैसे करना है. ये तो एक्सप्लेनेशन दिया, क्या लिखेंगे हम, गिवन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 5 1/4 liter ऑफ पेट्रोल, ये दिया हुआ आपका ₹315. ठीक है, अब 5 1/4 को आप कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा किसमें आपका, मिक्स फ्रैक्शन में. तो 5 × 4 = 20 + 1 = 21/4 liter ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू ₹315. हमको चाहिए 1 लीटर के लिए. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. ये देखिए ये 1 लीटर से ज़्यादा का दिया है, इसलिए 315 है. अब 1 लीटर के पास जा रहे हैं हम, यानी हम कम ले रहे हैं, ज़्यादा था, कम की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, 21/4 जो है डिवाइड में आ जाएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे ₹315 / 21/4, इस तरीके से. ठीक है, अब आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ये 315 रुपीस में रहेगा, और ये डिवाइड को हम क्या, नीचे यहाँ बंद कर दीजिए, ये डिवाइड ये 21/4,
21 अपॉन 4। अब ये सॉल्व करना आप जानते हैं, इसके लिए आप वो मत भूलिएगा कि कैसे करते हैं। 315 अपॉन 1 डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे और 21 अपॉन 4 का 4 अपॉन 21। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो पहले न्यूमरेटर को साथ में लिख दीजिए 315 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 1 मल्टीप्लाई 21। तो हम आपको बता दें ये जो 4 और 21 तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 315 और 21 हो जाएगा। कैसे, आप देखिए डिटेल्स, हम 3 + 1 = 4, 4 + 5 = 9, 3 की टेबल में चला जाएगा। 2 + 1 = 3, 3 की टेबल में चला जाएगा। तो 3 7 = 21, 3 1 = 3 = 0, 3 5 = 15। फिर 7 की टेबल में 105 आता है, 7 1 = 7, 7 1 = 7, रिमाइंडर 3 5 7 5 = 35। ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, अदरवाइज आप बोलेंगे सर ये कैसे आया। तो 105 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो आप चला जाएगा कितने टाइम, 7 1 = 7, रिमाइंडर 3 आया, फिर 5 = 35, 7 5 = 35। आप 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका ₹60। ठीक है, इट मींस 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई ₹60। ये हो गया आपका आंसर। एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखाते थे, यहाँ से स्टार्ट है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये किया और ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे एच वाला। ठीक है, ये जी वाला तो हमने कर लिया था, एच वाला देखिए। रोनाल्डो वॉक्स 8 1/2 किलोमीटर इन 2 1/8 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 1 आवर। वैसा ही है, तो हम इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन आपका एच वाला पार्ट। क्या दिया हुआ है कि इन 2 1/8 आवर्स जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो वॉक्स डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, रोनाल्डो वॉक्स डिस्टेंस हम लिख देते हैं एक डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहां लिख देते हैं, ये देखिए कितना दिया, 8 1/2 किलोमीटर दिया हुआ ये चीज। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 8 1/2 किलोमीटर। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 1/8 का आपका हो गया कितना, 8 2 = 16 + 1 = 17/8 आवर। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज ये इन 17/8 आवर। ठीक है, रोनाल्डो एक रोनाल्डो वॉक्स इक्वल्स टू, इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 8 2 = 16 + 1 = 17/2 किलोमीटर। और आपको 1 आवर में पूछा हुआ, देखिए 1 आवर में, तो जैसे ही हम 1 आवर का करेंगे तो 17/8 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, जैसे कि इससे पहले हमने पेट्रोल वाले केस में भी किया हुआ था। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन 1 आवर रोनाल्डो वॉक्स इक्वल्स टू 17/2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये आपका 17/8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको सॉल्व करना आता है 17/2। ठीक है, फिर आपका ये मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला जो फ्रैक्शन है ये आपका इनवर्स हो जाता है, तो ये 8/17 हो गया। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, न्यूमीटर को एक साथ लिख दीजिए 17 × 8, नीचे डिवाइड में 2 × 17, तो जो भी कैंसिल हो रहा है ये दोनों 17 चले जाएंगे। वन टाइम 2 1 = 2 4 = 8, यूनिट किलोमीटर थी आपकी, तो ये 4 किलोमीटर वो कवर कर रहा है 1 आवर में। तो एक बार फिर से दिखा देते हैं इसको, एच का सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है, 2 1/8 आवर में इतना कवर कर रहा है, इट मीन्स इसको कन्वर्ट कर दिया वैसा करके आपने, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, 17/8 आवर से कितना किलोमीटर, 17/2 ले रहा है। इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर आई करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई में देखिए क्या बोला हुआ है, सॉल्यूशन नंबर आई, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 12 1/2। कोई दो फ्रैक्शन होंगे, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक फ्रैक्शन हमारे पास 1/2 है, दूसरा है 3/4, ऐसा बोल रहे हैं वो, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए कुछ आंसर आ जाएगा। तो इसी बेसिस पर जो आंसर आएगा उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 12 1/2, ये दिया हुआ है, उसमें से एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3 1/3, फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हम लिख देंगे आपका 3 1/3 मल्टीप्लाई अदर, यानी एक फ्रैक्शन ये हो गया, दूसरा अदर हो गया, और इसका कितना आ रहा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, ये दिया हुआ है 12 1/2। अब हमको अदर चाहिए, अदर फ्रैक्शन क्या है, तो क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 3 3 9 + 1 10/3 मल्टीप्लाई, ये हो गया अदर, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12 2 24 + 1 25/2। अब हमको अदर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमको चाहिए हम उसको यहाँ ले आएंगे, और ये 25/2, और अब ये जो जाएगा 10/3 वहाँ पर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा आपका 10/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/10। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 25 × 3 नीचे डिवाइड में 2 × 10, तो ये चला जाएगा 5 2 5 5 25, तो ये हो गया आपका कितना 15/4, ठीक है। अदर फ्रैक्शन क्या था, 15/4। अब सिंस जो न्यूमरेटर है वो आपका ग्रेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे 15 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 3 12, रिमाइंडर आया 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 3/4, तो आपका जो दूसरा फ्रैक्शन था वो क्या था, 3 3/4, ये आंसर हो गया, ये रफ पार्ट था आपका, ठीक है। तो एक बार हम स्टार्टिंग से आपको दिखा देते हैं, यहाँ से किया हुआ है, एक फ्रैक्शन ये था, दूसरा हमको मालूम नहीं था, तो आधार उसको आधार ही लिख दिया, और टोटल प्रोडक्ट दिया था ये, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और रह गया था, तो वो बता देते हैं आपको, जे वाला क्वेश्चन, जे वाला यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जे दिया हुआ है आपका, देयर आर 24 गर्ल्स इन अ क्लास, इफ़ 3/5 पार्ट ऑफ द क्लास कंप्राइजेस गर्ल, देन व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। जस्ट अ सेकंड वेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो जे पार्ट रह गया था, इसमें दिया हुआ था देयर आर 24 गर्ल्स इन अ क्लास, एक क्लास है उसमें कितने गर्ल्स है, 24। इफ 3/5 पार्ट ऑफ द क्लास कंप्राइजेस गर्ल्स, यानी उस क्लास के जो टोटल होगी, टोटल में से कितना 3/5 पार्ट गर्ल्स हैं, देन व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं, सॉल्यूशन आपका जे पार्ट का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे नंबर ऑफ ये गर्ल्स जो हैं वो दी हुई हैं 24, ठीक है, और क्या दिया है टोटल, हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/5 पार्ट जो है वो क्लास के टोटल का हम लिख देंगे यहाँ पर टोटल, और गर्ल्स जो दी हुई हैं वो कितना है 24, तो हमको टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो देखिए टोटल स्ट्रेंथ इसको लिख दीजिएगा, टोटल स्ट्रेंथ, तो टोटल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 24। अब ये 3/5 राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी डिवाइडेड बाय 3/5, ठीक है। अदरवाइज आप देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है जस्ट यहाँ पर जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इट मींस 24 डिवाइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है। अब हम आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, तो हम न्यूमरेटर को एक साथ लिख देंगे 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3, ये कैंसिलेशन कर दीजिए, 3 8 24, तो ये आ गया 8 5 40, तो टोटल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी होगी 4040, ठीक है। ये उस समय पर शायद हमको कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, ये हमने प्रॉपर लिख दिया है, तो यहाँ से है इसका नंबर ऑफ गर्ल्स 24 दिए थे, 3/5 पार्ट ऑफ द क्लास कंप्राइजिंग गर्ल्स, उस क्लास का ये क्या दिया था 3/5, गर्ल्स कितना है टोटल का 3/5, इसलिए हमने लिखा 3/5 ऑफ टोटल, ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 ऑफ ये टोटल है और इक्वल टू गर्ल्स दी हुई हैं 24, तो टोटल कितना था आपको फाइंड करना है, 24 दिया हुआ था, इसलिए हमने इस तरीके से किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा के टोटल की जगह टोटल स्ट्रेंथ लिख दिया, इक्वल टू 24, फिर टोटल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ये जो नंबर फ्रैक्शन राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो गया 24 / 3/5, या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, हमने क्या बताया था कि ये जो नंबर है ये वाला 5 यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई 5 और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये स्टेप यहाँ वाला आ जाएगा फिर डायरेक्ट आपका, ठीक है। आप अभी एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा जैसा हमने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है,
तो ये हम इसको आराम से दिखा देते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो जे सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया, आगे की वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन रह गए उसको कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।